खबरों में बने रहने के लिए अपना डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। दोस्तों, आज धरोहर के इस अगले एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम धरोहर के इस एपिसोड में पहुंच चुके हैं पटना के कुम्हरार पार्क में, जहां का इतिहास उस जमाने से जुड़ा हुआ है कि मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम अंदर में आपको दिखाएँगे कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन सी यहाँ पे 80 पिलर का एक पिलर बताया जाता है, स्तंभ बताया जाता है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गेट से हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे इंट्रेंस का फी है 2500 रुपया भारतीयों के लिए और विदेशी के लिए 300 रुपया प्रति व्यक्ति है। और आगे हम ले चल रहे हैं, यहाँ पुरातत्व से, प्राचीन काल से जुड़े हुए आपको इतिहास से रूबरू करवाएंगे कि यहाँ पे आखिर में क्या क्या खासियत है और यहाँ से हमारा इतिहास कैसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम इधर ले चलते हैं, इधर हम गेट पे आए हुए हैं। यहाँ हम आपको दिखाते हैं यहाँ का इतिहास प्राचीन पाटलिपुत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, इस बोर्ड को आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाइए। यहाँ प्राचीन साहित्य में पाटलिपुत्र के लिए पाटलीग्राम, पाटलीपुर, कुसुमपुर, पुष्पपुर, कुसुमपुर, यहाँ पूरा इतिहास लिखा हुआ है कि यहाँ कैसे प्राचीन काल से ये पार्क का जुड़ाव है, कुम्हरार पार्क का जुड़ाव है। इधर देखिए, इधर उसी का अंग्रेजी में लिखा गया है, चूँकि यहाँ सैलानी भी बहुत सारे आते हैं, विदेशों के लोग बहुत आते हैं यहाँ की खूबसूरती देखने, इतिहास से जुड़ा हुआ सारा प्रारूप देखने के लिए। हम इधर चलते हैं, इधर आपको पिलर का अवशेष दिखाई देगा, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे इधर पिलर के अवशेष के बारे में। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पिलर जिससे जो हॉल बना था उस पिलर के समय का अवशेष यहाँ पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं इस पिलर सब के बारे में। आप इधर आइए, इधर इधर थोड़ा सा दिखाइए जूम करके कैमरे को। इधर उस जमाने के अवशेष है सब, उस समय का है। इधर इधर घुमा के इधर से आते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं उस ज़माने का ये पत्थर है, उस ज़माने का वो स्तंभ है, वो जो हॉल था उसमें जो हॉल बनाया गया था, कॉन्फ्रेंस हॉल उसको आज के ज़माने के हिसाब से बता सकते हैं, मीटिंग हॉल आपको बता सकते हैं, उसी ज़माने का उसी में का अवशेष है जिसको आप देख सकते हैं इधर से। इधर कैमरा आप इधर से घुमा के दिखाइए, इधर से आप जो तस्वीर देख रहे हैं इधर उस समय का है जिसको संजो के रखा गया है ताकि यहाँ सैलानी आए, लड़के आए, यहाँ के बच्चे आए, अपने इतिहास से रूबरू हो सकें। हम चलते हैं इधर आगे, और इतिहास से जुड़ी हुई कुछ वस्तु हैं इधर आपको हम दिखाते हैं। जी, तो ये आप देख रहे हैं आरोग्य विहार। ये आरोग्य विहार आप देखिए, इस पे लिखा हुआ है कि यह 4वीं-5वीं शती ईस्वी में निर्मित आरोग्य विहार अर्थात चिकित्सालय का भग्नावशेष है। इसकी पहचान एक अंडाकार मिंडमय मुद्राकार टेराकोटा सीलिंग पर अंकित अभिलेख के आधार पर की गई है, जिस पर गुप्तकालीन ब्रह्मी लिपि में श्री आरोग्य विहार भिक्षु संघर्ष से लिखा है। काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना द्वारा सन 1951-55 के मध्य में कुम्हरार पुरातत्व पर किए गए उत्खनन के क्रम में मृदभांड का एक टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है, जिस पर धन्वंतरे अंकित है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस चिकित्सालय का संचालन गुप्त काल के प्रख्यात वैद्य धन्वंतरी द्वारा किया जाता था। आप धन्वंतरी का नाम हमेशा जब भी बात आती थी, जब भी बात आयुर्वेद की आती है, उस समय से आप सुनते आ रहे हैं। जी, आप यहाँ के इस जो बचा हुआ अवशेष है उसके बारे में क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि गुप्तकालीन का यह सब चिकित्सालय का भवन और ये सब है आरोग्य का,
यही तो हम लोग सुनते हैं जी। हम इधर ले कर चलते हैं, आइए इधर, इधर हम ले कर चलते हैं, आप लोग को दिखाना चाहेंगे उस ज़माने का ये अवशेष है। आप देख सकते हैं उस समय यहाँ पे आरोग्य वैद्य जी का यहाँ पे दवाखाना बताया जा रहा है कि दवाखाना हुआ करता था, यहाँ पे चिकित्सा हुआ उन लोगों का किया जाता था। तो ये जो यानी ईंट जो है ये उस ज़माने की उस ज़माने का सारा है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ईंट है आप इस ज़माने का ईंटा है नहीं, ये आप बनावट जो देख सकते हैं। कैमरा को थोड़ा जूम करके भाई साहब आपको हम कहना चाहेंगे कैमरामैन साहब से कि थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाया जाए। उस ज़माने का ये ईंट है, इधर आप देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि दवाखाना हुआ करता था, यहाँ पे वैद्य जी बैठा करते थे, उनका ये बचा हुआ देखिए उस समय का ये कमरा आपको दिखा, कमरा हो उधर भी अवशेष हैं, उधर भी आप थोड़ा इधर भी दिखाइए, उधर भी अवशेष बचे हुए हैं। ये उस ज़माने की है सारा अवशेष जिसको देखने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे, कैसे इतिहास से मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। चलिए हम उधर लिए चलते हैं फिर आपको। जी तो चलिए यहाँ प्रदर्शनी कक्ष है और यहाँ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ प्रदर्शनी के हिसाब से यहाँ दिखाई जाएगी कि क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विभागीय प्रकाशन विक्रय केंद्र, यहाँ कुछ पुस्तकें हैं जो इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तकें आप देख सकते हैं, यहाँ उस ज़माने की पुस्तकें हैं यहाँ दिखा सकते हैं। अंदर में हम आपको लिए चलते हैं, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये मानव शीर्ष है मौर्य काल का, आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये साल भंजिका प्रस्तर शुंग काल का ये तस्वीरें हैं जो प्रदर्शनी हॉल में लगाई गई है। ये देखिए शुंग काल का ये भी तस्वीरें हैं जो खुदाई के समय में मिली है, और ये देखिए स्त्री आकृति टेराकोटा मौर्य काल का, इधर देखिए मौर्य काल की ही सारी तस्वीरें हैं, इधर आप देख सकते हैं मौर्य काल से जुड़ा हुआ इतिहास से अपने जुड़ा हुआ सारी तस्वीरें हैं, इधर मौर्य काल से ही जुड़ा हुआ। इधर देखिए पहिया, लकड़ी का पहिया उस ज़माने में मौर्य काल में ऐसे ही दिखता था, आप तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा दिखता था। इधर देखिए नर्तकी टेराकोटा मौर्य काल, उनका तस्वीर है ये। फिर इधर आप जैन तीर्थकर मौर्य काल से जुड़ी हुई सारी तस्वीरें हैं हम आपको। अच्छा ये एक तस्वीर देखना आपको ज़रूरी है, महाबोधि मंदिर युक्त मुद्रांक टेराकोटा गुप्त काल के समय में ये महाबोधि मंदिर युक्त मुद्रांक है जिसको आप समझ सकते हैं देख सकते हैं। इधर हम आपको दिखाना चाहेंगे, इधर वो 80 पिलर का स्तंभ है उस ज़माने का, यहाँ प्रदर्शनी में रखा गया है ताकि जो लोग आए यहाँ देख सकें। कैमरा थोड़ा जूम करके इसको दिखाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं उस ज़माने का अवशेष है जो बच गए हैं, जिसको धरोहर के रूप में यहाँ सजोया गया है। इधर हम आपको लिए चलते हैं, इधर पूरी कहानी लिखी हुई है, कुम्हरार स्थिर स्तंभों से युक्त मौर्य कालीन सभागार के भगना अवशेष, ये जो अवशेष जो आपको हम जो वहाँ तस्वीरें में आप देखें उसी के बारे में यहाँ बताई गई है। कैमरा को जूम करके इसको दिखा दें, आप इसको पढ़ सकते हैं कैमरा को कैमरा के द्वारा आप पढ़ सकते हैं इसमें। ये जो तस्वीरें देखिए ये 1926 प्राचीन पाटलिपुत्र के काष्ठ निर्मित सुरक्षा प्राचीर के अवशेष बुलंदीबाग मौर्य कालीन। दोस्तों हम यहाँ बताना चाहेंगे पहले के जो राजा थे सुरक्षा के लिहाज से इस तरीके से बनाया जाता था कि आखिर में कोई अगर दुश्मन आए तो पहले लकड़ी मिले, पानी मिले, उसके बाद फिर लकड़ी मिलके आपके पास पहुंच सके। तो उस समय अपने सुरक्षा के हिसाब से ये बनाया गया है, उस समय की ये तस्वीरें हैं। इधर हम आपको लिए चलते हैं, इधर देखिए उस ज़माने से जुड़ी हुई वस्तुएँ हैं जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है, आप देख सकते हैं इधर प्रदर्शनी में लगा हुआ है। ये सारी दुर्लभ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं उस ज़माने में पता तो नहीं चल रहा है कि क्या है, लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ हम आपको बता रहे हैं, पड़े खिलौना गाड़ी 17वीं शताब्दी,
नारी मूर्ति, नेगमेष का मस्तक, ये सब इतिहास से जुड़ा हुआ सारी वस्तुएं हैं। इधर हम आपको फिर लेके आते हैं, इधर देखिए प्राचीन साहित्य में पाटलिपुत्र के लिए पाटलीग्राम, वही जो आपको हम बाहर में पढ़ के बताए थे उसी के बारे में, लगभग यहाँ 300 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए सुप्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पहली बार हमें पाटलिपुत्र एवं इसके नगर प्रशासन आदि के विषय में विशद, इसको थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए जिनको पढ़ना होगा, यहाँ डिटेल आप पढ़ सकते हैं। इधर 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 आप देख सकते हैं, इधर जो है यहाँ थप्पी 300-450 ईस्वी पूर्व उस समय की पहिया है, घोड़ा है, पशु मूर्ति है, बाघ है, खिलौना है, खिलौना गाड़ी, ये उस जमाने की दुर्लभ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। इधर भी इधर हम आपको अवशेष के बारे में दिखाना चाहेंगे। इधर इधर जो वस्तुएं आप देख रहे हैं, इधर जो है बलुए पत्थर पर मौर्यकालीन पॉलिश 3री सदी ईस्वी पूर्व बलुए पत्थर पर मौर्यकालीन, ये आप जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, उस समय खिलौना है, उस समय से जुड़ी हुई सारी दुर्लभ तस्वीरें हैं जो खुदाई के दौरान आपको अवशेष मिले हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप कुम्हरार स्थित इस पार्क के विषय में जाना समझा, मुझे उम्मीद है आज की धरोहर की, अपने इतिहास से जुड़ी हुई धरोहर की बारे में जानकर आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, लाइक करें, साथ ही साथ अपना सुझाव हमें हमेशा देते रहें कि आखिर में आप क्या चाहते हैं, किसके बारे में जानकारी चाहते हैं, अपने इतिहास से जुड़े किस धरोहर के बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों आप सबका कमेंट का इंतज़ार है, मिलते हैं फिर अगली प्रस्तुति के साथ, बने रहें अपना लाइव डॉट न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।